नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। सबसे पहले खबर की सुर्खियां। डीएम मधुबनी ने सिक्की कला सेमिनार सह वर्कशॉप का किया उद्घाटन, कलाकारों का किया मार्गदर्शन। मधुबनी स्थित गोकुल राज होटल में दो दिवसीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। सिक्की कला हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आयोजित हुआ सेमिनार। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। अब सुनिए खबर विस्तार से। डीएम मधुबनी अमित कुमार ने मधुबनी शहर के होटल गोकुल राज स्थित सभागार में सिक्की कला सेमिनार सह वर्कशॉप का उद्घाटन किया। मालूम हो कि सिक्की कला हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तत्वावधान में दो दिवसीय सेमिनार सह वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिले के हस्तशिल्प से विशेषकर सिक्की कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिल्पियों को समर्पित है। बताते चले कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के लगातार प्रयास से मधुबनी जिले में सिक्की कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिल्पियों के उत्थान एवं विकास के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में दो दिवसीय इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी मधुबनी अमित कुमार के द्वारा किया गया। सेमिनार सह वर्कशॉप में अत्यधिक संख्या में पहुंचे शिल्पी कलाकारों को संबोधित करते हुए डीएम श्री कुमार ने कहा, मधुबनी जिले के शिल्पियों के परिश्रम के कारण आज मधुबनी का नाम विश्व विख्यात है और हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मधुबनी के शिल्पी मधुबनी के गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जिला पदाधिकारी ने मुकेश कुमार सहायक निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पहल पर सिक्की कलाकारों के प्रोड्यूसर ग्रुप के निर्माण को आज की जरूरत बताया और उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में हस्तशिल्प के क्षेत्र में मधुबनी में और गतिविधियां बढ़ेगी। डीएम ने कलाकारों को शुभकामना भी दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। वहीं इस अवसर पर शंकर झा ज्वाइंट डायरेक्टर निफ्ट पटना, विनोद शंकर सिंह जीएम डीआईसी मधुबनी, रविशंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट पटना, अखिलेश कुमार इंटीरियर डिजाइनर डीसी हैंडीक्राफ्ट्स, अजय कुमार एलडीएम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मधुबनी, राजीव कुमार झा सहित कई पदाधिकारी एवं कलाकार मौजूद थे। आपको केआर न्यूज चैनल का समाचार यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केआर न्यूज। मुझको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।